अमेरिका में वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल, 30,000 वॉलंटियर पर टेस्ट शुरू। लखनऊ में 312 नए मरीज, 7 और लोगों की मौत, 48 घंटे के लिए झलकारी अस्पताल में भर्ती बंद। वाराणसी में 37 नए कोरोना के मरीज मिले, एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1303। रामलला के नाम पर घर घर रुद्राभिषेक, विश्व हिंदू महासंघ ने जारी किया 6 दिवसीय आयोजन का प्रारूप। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी गांव में आज भी लोग लाइन लगाकर पानी लेने को है मजबूर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बिजरी गांव के वार्ड नंबर 4 में गंदगी का पड़ा है अंबार, काफी दिनों से लापता है सफाई कर्मी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला बबेरू तहसील से बिजली कटौती से परेशान गांव पाकरौली के किसान बैठे पावर हाउस में धरने पर। बिहार के सुपौल जिले के राघोपुर प्रखंड के धरहरा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में हो रहे सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता के कारण वहां के ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य को रोका। जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के वीरी शमसुद्दीनपुर में निजी सचिव, राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन उत्तर प्रदेश गिरीश चंद्र यादव ने एक सड़क का शिलान्यास किया। राजधानी जयपुर के कालवाड़ में करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रात को दुकानों के शटर तोड़कर बावरिया गिरोह के एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार।